हेलो फूडीज, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेन्यू कार्ड बाय पारुल गुप्ता के किचन में। तो आज आपके लिए बैंगन और चावल के साथ बनने वाली एक बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। वैसे तो बैंगन की बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं, बैंगन आलू बनते हैं, बैंगन भरता बनता है, मारवाड़ी स्टाइल बैंगन बनते हैं, अफगानी स्टाइल बैंगन मिलते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही क्विक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में झटपट बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बैंगन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब रेसिपी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक गोल वाला बैंगन ले लिया है और इसको अच्छे से धो के साफ कर लिया है। सूखा होना चाहिए बैंगन। इसके साथ ही हमने यहाँ पर इसके लगभग चौथाई सेंटीमीटर के पीसेस काट लिए हैं। पीसेस थोड़े से मोटे ही रखने हैं और इनको अच्छे से काट के जो है एक हम बोल में पानी लेंगे और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसको 10 से 15 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे, जिससे कि बैंगन में यदि कसैलापन हो या उसका स्वाद कुछ गड़बड़ हो तो वो सारी इम्प्योरिटीज़ निकल जाएँ। और इसके बाद एक टॉबल पर इसको रख के सुखा लेंगे अच्छे से। तो तब तक हमारे बैंगन पानी में डूब रहे हैं, इसके कुछ मसाले बना लेते हैं। इसमें हमने 2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और इसके साथ ही यहाँ पर हमने आमचूर पाउडर लिया है। आमचूर पाउडर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डालिए और इसके बाद यदि आपको गर्म मसाले का फ्लेवर पसंद है तो थोड़ा सा गर्म मसाला ज़रूर से ऐड करिए। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करके आपको अलग रख लेना है और कलर के लिए यदि कश्मीरी लाल मिर्च डालना चाहें तो ऐड कर लीजिए। इन सबको अच्छे से मिक्स करके अलग रख के एक दूसरी प्लेट में हमको 3 से 4 चम्मच यहाँ पर राइस फ्लोर लेना है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चावल के आटे का प्रयोग किया है। और अब एक टॉवल लीजिए, किचन टॉवल लीजिए और सारे बैंगन को इसके ऊपर फैला के इनको थपथपा के अच्छे से सुखा लीजिए। थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए इसमें, इस बात का ध्यान रखिए। तो देखिए हमारे बैंगन अच्छे से जो है सूख गए हैं। बस मसाले में इनको इस तरीके से कोट करिए और फिर जो राइस फ्लोर या चावल का आटा है इसमें इस तरीके से इसको कोट करके अलग रख लीजिए। तो सारे बैंगनों के साथ में यही प्रक्रिया करनी है। आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, आप हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, हमारी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो लीजिए, हमारा प्रोसेस डन हो गया है। अब एक नॉनस्टिक पैन लिया है और इसमें हमने सरसों का तेल लिया है। आप जो भी ऑयल खाना पसंद करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो सारे बैंगन को इसके ऊपर इस तरीके से लगा दीजिएगा। स्लो मीडियम फ्लेम पर इसको उलट पलट कर 10 से 15 मिनट तक सेक लीजिए। बैंगन आराम से पक जाते हैं। देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आया है और चावल का आटा लगने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो लीजिए, हमारे बैंगन बिल्कुल लाजवाब करारे करारे तैयार हैं। मैं इनको आज जो है खट्टी चटनी के साथ में सर्व करने वाली हूँ। चाहे तो दाल चावल के साथ खाइए या आप पराठे के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे भी बड़े मन से खाते हैं। तो चलिए, बैंगन तो तैयार हैं, आप फटाफट इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसको एक ब्लैक प्लेट में सजा लिया है और जो मसाला हमने बैंगन के लिए बनाया था, सारे मसाले मिक्स करके थोड़ा सा वो मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लीजिए और हाँ, थोड़ा सा हरा धनिया से इसको गार्निश करिए और इन्जॉय करिए। तो आप सभी ने हमारी ये रेसिपी देखी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ, नई रेसिपी में मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।